जमशेदपुर में महाशिवरात्रि के दिन सोनारी दो मुहानी नदी घाट पर बनारस के तर्ज पर महाआरती का आयोजन किया गया, जहां बनारस से आए 21 पंडितों ने महाआरती का आयोजन किया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ उनकी पत्नी और शहर के हजारों लोग इस आरती के गवाह बने। महाआरती के साथ साथ यहाँ की विद्युत सजा और लेजर शो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। लेकिन हमारी पहली इच्छा यह है कि हमारी बच्ची, हमारी छोटी बहन, हम अपने इलाके के लोगों को ज्यादा प्रोत्साहित करें, इसके लिए हमने श्रद्धा को यहाँ बुलाया। और मैं देख रहा हूँ वो ये रास्ते में वो भी धन्यवाद देता हूँ हमारे साथियों का कि उन्होंने ये सीढ़ी जो है, ये सीढ़ी को बहुत दिन से लोगों का ये था कि ये सीढ़ी नहीं बन रही है, जिसके कारण हमारा बहुत सारा काम धार्मिक अनुष्ठान होने में दिक्कत होती थी, ये सीढ़ी भी बना दिया गया है। और मैं इसके लिए सुनील गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने और हमारे सभी साथियों ने मिलकर रात दिन मेहनत करके ये सीढ़ी भी बनाई है। मैं दूसरी जगह जाता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी देता हूँ, सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपके बीच में नेता की भूमिका में नहीं हूँ, विधायक की भूमिका में नहीं हूँ, मंत्री की भूमिका में नहीं हूँ, मैं आपका बेटा, भाई और आपका परिवार की भूमिका में हूँ। और जब आदमी अपने परिवार के बीच होता है तो बहुत चीजें चाहता है बोलना, लेकिन बोल नहीं पाता है। जब बहुत प्यार हो जाता है तो बहुत चीजें नहीं बोली जा सकती है। लेकिन मैं इतना जरूर आपको विश्वास देता हूं, ये दो महीने का पवित्र संगम जो है, ये पवित्र संगम हम सब मिलकर इसको इतना सुंदर बना देंगे कि जो आज ये आरती हो रही है, इतने लोग जुटे हैं, रोज कम से कम यहाँ 2-4 हजार लोग घूमने आएंगे, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। और हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग भी बीच बीच में आइए, घूमिए, तो मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा। क्योंकि यदि मुर्गी जान से चली जाए और मालिक को स्वाद ही नहीं आए तो बेकारी ना मुर्गी का बनना है। अब इतना यदि हम आपके लिए कोशिश करें और आप आइए नहीं, देखिएगा नहीं, तो फिर कैसे होगा। इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग एक बार, आप लोग चाहते हैं ना कि ये बहुत सुंदर बन जाए, और हम लोग ये जो पुल है, इस पुल से भी 1 किलोमीटर आगे तक बहुत सुंदर बनाएंगे, जहां लोगों का घूमने फिरने दौड़ने सबका वहां ये होगा। और अगली बार आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल के गाछ लगे हैं और बहुत फूल पत्ती आपको दिखेगी, बहुत नेचुरल दिखेगा। आप एक बार चाहते हैं ना ये बहुत सुंदर पर्यटन।